सरकार इसकी व्यवस्था करने की कोशिश नहीं, और बाद में क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गेहूं गरीबों को बेच दो बांट दो, ये सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानते। दिल्ली में ऐसे लोग बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनते, उन्होंने न बांटा न बेचा और क्या किया, वो सड़े हुए गेहूं से ज्यादा सड़ने दिए और बाद में शराब बनाने वाली कंपनियों को 80-50 के दाम से बेच मारे। भाइयों बहनों, ये किसान की मेहनत का अपमान है, और इसलिए मैं कहता हूं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके तीन हिस्से करना जरूरी है। एक में एक के पास जिम्मेवारी हो प्रोक्योरमेंट की, किसानों से खरीदने का जिम्मा उसका हो, उतना ही काम उसका हो और वो उसी पर फोकस करे, मेहनत करे और किसी न किसानों से ज्यादा प्रोक्योर करने की व्यवस्था करे, ताकि किसान को बाजार में कम दाम से अपना माल बेचने की नौबत ना आए। दूसरा हिस्सा हो जो अनाज धान खरीदा गया हो उसको रखने की मैनेजमेंट दूसरे हिस्से के पास, मैनेजमेंट अलग होनी चाहिए और वितरित करने की डिस्ट्रीब्यूशन का काम तीसरी इकाई। जब तक हम फूड कॉरपोरेशन इंडिया के तीन हिस्से नहीं बनाते, तब तक नए वेयर हाउस नहीं बनेंगे, नए कोल्ड स्टोरेज नहीं बनेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा, जो इकट्ठा होता है वो समय पर वितरित नहीं होगा, जिस गरीब के घर में वो अनाज पहुंचना चाहिए वो पहुंचेगा नहीं, और गरीब भूखा का भूखा रहेगा, अनाज सड़ता रहेगा, किसान को दाम मिलेंगे नहीं। ये विपरीत व्यवस्था को बदलना चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।